जाने वाले कोई लिखे ही नहीं मेरा है। हेलो गुड मॉर्निंग, आप सभी कैसे हैं? सो फ्रेंड, मैं सो के उठ चुकी हूँ, हाथ मुंह धो ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जी, मेरी ननद और मेरी सासू मम्मी, तीनों कोई पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं क्या बताऊँ, फोन लगा रही, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्या बोलूँ मैं। रात को पार्टी से वहाँ भिलाई से आने के बाद बोल तो रहे थे कि स्कूल के लिए पता करने जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से फ़ोन आया है, जाना है करके। हो सकता है वहीं गए हैं कि कहाँ गए हैं, मैं फ़ोन लगा रही तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सो फ्रेंड, हे दोस्तों, क्या बोलूँ, फिर बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम लोग, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम बैक हो गए, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चंगा होंगे। मेरी बिटिया रानी का अब स्कूल जाने, तो मैं, मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन आज रोड पे भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। उधर लिफ्ट मिल जाए हम लोग को आने जाने वाले कोई लिफ्ट ही नहीं मेरा है। क्या कह रहे, 2-3 घंटा से हो यहाँ खड़े खड़े, हालत ख़राब हो गया, कोई हम लोग को लिफ्ट ही नहीं कह रहे। पता नहीं कपड़ा शायद हम लोग अच्छा नहीं पहने, हम लोग अच्छे नहीं दिख रहे, इसी वजह से लगता हम कोई लिफ्ट नहीं देना चाह रहा है। बात ये सब ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं, मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन जो है आए हैं। मेरी छोटी बिटिया सब 3.5 साल की हो गई, अब उसको एडमिशन करवाना है, तो आए हैं स्कूल पता करने के लिए। लिटिल बनी जो कि हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट स्कूल है, यहाँ स्कूल बहुत सारा स्कूल है, स्कूल का कोई कमी भी नहीं है। ऐसा ओनली रेलवे लोग के बच्चे को एडमिशन करते हैं, तभी मैं हम तीनों मिलकर आए हैं करने के लिए पता क्या है। बट पूरा सीट फुल हो गया, पहला स्कूल में गए थे तो वहाँ कैंसिल हो गया, तो अभी दूसरा स्कूल आए हैं पता करने के लिए। लर्नर स्कूल का ये नाम है, ये भी बच्चों का है, तो जलंधर चलते हैं पता करके आते हैं क्या यहाँ क्या फॉर्मेलिटी है, तो पता करके आते हैं, फीस के बाद पता चलेगा। हे गाइस, अभी गए थे स्कूल, दो स्कूल पता करके आ गए हैं, ये भी स्कूल में गए हैं। नर्सरी में टीचर बोले नर्सरी में आपका बच्चा जो है पैसा लगेगा 12,000 है नर्सरी का, बट अभी ऑफर चल रहा है तो 2,000 कम लगेगा, 10,000 रुपया लगेगा और हर महीने का 1400 रुपया, और स्कूल बुक सब, आप यूनिफॉर्म सब लेना पड़ेगा बाहर का। तो समथिंग बता रहे थे आपको साल का 30,000 रुपया लगेगा खर्चा। पढ़ाई भी इतना महंगा हो गया ना, बच्चे लोगों को पढ़ाना भी इम्पॉसिबल जैसा हो गया, इतना महंगा स्कूल हो गया। अभी सेकेंड फर्स्ट जगह गए थे वहाँ तो पूरा सीट फूल, रेलवे के बच्चे वो भी अच्छा था बच्चे लोग के लिए, और जहाँ भी एक और स्कूल गए वो भी अच्छा है। अब जा रहे हैं सेकेंड, वहाँ पता करते हैं कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, अब जाने के बाद पता चलेगा। यहाँ भी देखा मतलब गार्डन उडन अच्छा था बच्चे लोगों को खेलने के लिए, और कैमरा भी लगा था, आप लोगों ने तो देखा कैमरा लगा था, छोटे छोटे टेडी बियर थे, बॉल थे, और मैडम खुद अपने से बोले कि एक नर्सरी लोग के लिए 2 ठो मैडम रहते हैं, एनी टाइम कुछ भी लैट्रिन बाथरूम कुछ भी लगे बच्चे से हमेशा पूछते हुए रहते हैं, कोई लैट्रिन लगा या बाथरूम हम करवाने के लिए ले जाते हैं। छोटा छोटा प्यारा प्यारा सा टेबल था बच्चे लोग को बैठने के लिए। स्कूल तो बहुत अच्छा है, 3 मंजिला का था स्कूल, देखते हैं क्या भी घर में जाएंगे डिसाइडिंग करेंगे। रश्मि जी तो आए नहीं क्योंकि वो सोए थे, इसी वजह से मैं, मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन तीनों मिलके आए हैं पता करने। मेरी जो बहन है छोटी वाली मतलब पढ़ी लिखी ज़्यादा है, रेलवे का फॉर्म भर रही है, और मेरा आप सबको पता है कि मेरी बहन का आदेश मैरिड हो गया है, यानी कि शादी हो गया है। तो रूही कहाँ जा रही हो, टूट बच गई
नौटंकी कह रही गिरने का यहाँ। ए रूही क्या बाइक से खेल रही है, बाइक से